स्वागत है आप सभी का बच्चों की छोटी छोटी भूख की सीरीज में। आज हम उनके लिए बनाएंगे कॉर्न चीज पिज्जा। इसके लिए हमें चाहिए होगा कैरेट, मैंने फाइन चॉप करके रखा हुआ है, कैप्सिकम, कॉर्न। आप बाजार में अगर आपको कॉर्न ना मिले तो आप क्या करें, फ्रेश कॉर्न लाएं और उनको गर्म पानी में, उनको ऐसे निकाल लें कॉर्न को और गर्म पानी में डाल दें और बस उनको थोड़ी देर पड़े रहने दें और निकाल लें। फ्रेश एकदम कॉर्न बाजार में जैसे मिलते हैं वैसे ही तैयार हो जाएंगे। अनियन, ब्रेड, ये मैंने ब्राउन ब्रेड यूज की है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज करें, मल्टीग्रेन व्हाइट ब्रेड। टमाटो सॉस, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, और मैंने पिज्जा टॉपिंग ली है, आपको जिस भी ब्रांड की मिले आप ले लीजिए, ना मिले तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास टमाटो सॉस है, चीज जो जरूरी है और ये मलाई, ये दूध बॉईल करने के बाद जो ऊपर मलाई पड़ती है उसको निकाल लें और उसको ऐसे फेंट लें। ये देखिए मैंने फेंट के रखी हुई है। अब स्टार्ट करते हैं, अब हम टॉपिंग बना लेते हैं। कैरेट, कैप्सिकम, अनियन और इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार जितना आपको जरूरत हो, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिक्स वेल। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको साइड रख लेते हैं। हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसमें पिज्जा टॉपिंग अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। पिज्जा टॉपिंग अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था अब वो डालेंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर हमारे कॉर्न्स थे उनको डाल देंगे। बच्चों को कलरफुल चीजें बहुत पसंद आती हैं, बड़े अच्छे से इसको खाएंगे और हेल्दी है, इसमें वेजिटेबल्स हैं, कॉर्न है, और लास्ट में हम अपना चीज इसी के ऊपर ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए पैन गरम करेंगे, इसमें हल्का सा घी लगा देंगे, और हम अपने ब्रेड चीज पिज्जा को ऐसे रख देंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। ये देखिए चीज और मलाई मेल्ट हो रही है, अब ये मेल्ट हो जाएगी धीरे धीरे। 5 मिनट हो गए हैं, फ्लेम बंद कर देंगे और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। माई ब्रेड भी नीचे से सिक गई है और कुरकुरी हो गई होगी, अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्रेड एकदम नीचे से कुरकुरी हो गई है, एकदम हार्ड बिल्कुल नहीं हो रही है। बस थोड़ी देर हमें प्लेट में छोड़ना होगा इस स्लाइस को ताकि चीज सेट हो जाए। ये देखिए कितना सुंदर कलर, बच्चे कैसे नहीं खाएंगे, एकदम हेल्दी है, आप ट्राई कीजिए। और इसको अब हम सर्व करेंगे मिश्राम्बू मिल्क शेक के साथ, आप चाहें तो इसके टमाटो सॉस स्प्रेड कर ले, इसमें चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर ले। बच्चों को खाना होता है इसलिए मैं नहीं करती हूँ, एक में मैं आपको करके दिखाती हूँ। और सॉस,
और एक सिंपल रखते हैं। अब बच्चों को दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।